चंद्रशेखर आजाद ने कहा, दिल्ली का रास्ता यूपी से ही जाता है। भाजपा देश के प्रधानमंत्री के नाम, आरएसएस के मुखिया के नाम कि हमारे सदन का इम्तहान मत लो, कि राजमहलों से खंडरों का रास्ता हो जाएगा, हम गरीबों से जो उलझेगा वो खड़ा हो जाएगा। हम दरिया हैं, हमें मालूम है हुनर अपना, जिस ओर चल निकलेंगे रास्ता हो जाएगा, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में ही भाजपा का विजय रथ रोकेंगे, और इन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी देश बचाओ संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है। इस दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लेकर जनता को जागरूक करेंगे और जनता को टिप्स देंगे कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने वोट का सही प्रयोग करे। और चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के बाद आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा की शुरुआत करेगी। रावड़ ने कहा कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, यहां पर भाजपा ज्यादा सीटों पर विजयी है, बीजेपी का विजय रथ उत्तर प्रदेश में ही रोकेंगे। और इन्होंने कहा कि इसकी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। लगातार धर्म पर हो रही टिप्पणी को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि धर्म आदमी का व्यक्तिगत मसला है, किसी को भी किसी धर्म का अपमान करने का अधिकार नहीं, लेकिन राजनीति में जब भी धर्म जुड़ जाएगा तो वास्तविक मुद्दे दूर हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, नौजवान परेशान है, पेपर लीक हो रहे हैं, किसान परेशान है, सभी के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, धर्म को वही बीच में लेकर आता है जो मुद्दों से भागना चाहता है। आजाद ने कहा कि हम सरकार को मुद्दों से भागने नहीं देंगे। दरअसल सिद्धार्थनगर जाते हुए अयोध्या हाईवे पर स्थित एक होटल में कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए अयोध्या में चंद्रशेखर आजाद रुके थे। दोस्तों, आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर जरूर बताएं, और अपना हाल चाल भी बताएं, और यह भी बताएं कि आपके लिए कैसी वीडियो चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथियों, जय भीम जय संविधान।